हर आदमी प्याज तो खाता है, उसके बाद ये छिक्कल फेंक देता है, लेकिन हमने ये कोशिश करी कि प्याज के छिक्कल से भी हम क्विक प्रिंट करके ये बड़े अच्छे कपड़े बना सकते हैं। हमारे यहाँ पान खाने की बड़ी लोगों को वो है, तो जो पान में एक कत्था लगता है, हाँ, तो खैर बोलते हैं हम जैसे उसको, तो उसकी लकड़ी का कलर है ये। तो ये यूकेलिप्टस के जो पेड़ है उसकी छाल है, इसको मैंने ये इसमें कपड़ों में इसका एक प्रिंट बना दिया। और इसमें ये देखिए कि ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें ये यूकेलिप्टस का अपना कलर है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो कपड़े हम लोग पहने हैं वो केमिकल से कहीं ना कहीं रचे बसे हैं, रंगों में आए हुए हैं। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका नाम है KKS पांगती, जिन्होंने केमिकल का बगैर यूज करे ही कपड़ों का निर्माण किया है, और उनके जो कपड़े हैं वो वनस्पति से बने हुए हैं। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, KKS पांगती जी से। वो देहरादून से हैं, उत्तराखंड से एक ऐसे काम की शुरुआत उन्होंने की है जिसको देश आने वाले समय में जरूर देखेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से हैं यार, और आपका जो पुराना बैकग्राउंड है वो क्या है? नहीं, मैं हूँ मुंशियारी से, पिथौरागढ़ के मुंशियारी से बिलोंग करता हूँ, और मैं इससे पहले ONGC में मैं सर्विस करता था, और वहाँ से ONGC से मैं एक जनरल मैनेजर रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद हर किसी का हॉबी होता है, वो पूरा करना चाहता है। अभी मेरी भी हॉबी थी कि कुछ पेंटिंग और ये इस तरह की हॉबी थी। तो एक सडनली क्या है कि कोविड आ गया। कोविड में क्या है कि सब लोग घर में बैठे थे, तो मैं भी घर में बैठा, तो मैंने काफ़ी स्टडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं BSc तक बॉटनी मैंने जब पढ़ी थी, तो देन मैंने प्लांट केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इस तरह की चीज़ें पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद फिर मैं आगे गया, उसको देखा, तो लोगों मैंने देखा कि लोग जो हैं बाहर प्लांट्स को लेके कुछ प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसमें जो नेचुरल फैब्रिक है उसमें प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं फिर उसकी तरफ मुड़ गया। तो इसमें प्रिंटिंग वो फैब्रिक में भी करते हैं और पेपर में भी करते हैं, और जो प्लांट से जो प्रिंट होता है वो केवल नेचुरल फैब्रिक में होता है। नेचुरल फैब्रिक लाइक कॉटन का हो गया, हेम्प का हो गया, आपका ये जो नेटल का हो गया, बेम्बू का हो गया, और ये जूट का हो गया, ये इनको बोलते हैं सेल्यूलोज फैब्रिक। तो इन चीज़ों में, और दूसरा हम प्रोटीन फैब्रिक बोलते हैं, प्रोटीन फैब्रिक चाहे सिल्क हो गया और किसी तरह का भी ऊल है, वो प्रोटीन फैब्रिक है। तो इन दोनों में, सेल्यूलोज फैब्रिक में और प्रोटीन फैब्रिक में, प्रिंट करने का भी तरीका अलग है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने का तरीका अलग है, तो प्रिंट करने का भी तरीका अलग है, करीब करीब सेम है, बट प्रिंटिंग अलग से होती है, उसको प्रिपरेशन अलग होता है। तो हमने इसको धीरे धीरे, फिर मैंने इसको डेवलप किया। पहले मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया, फिर एक मीटर कपड़ा लिया, इसको करते करते मैंने पूरे कोविड में इसको डेवलप करना शुरू कर दिया। तो आज मैं करीब करीब ये कह सकता हूँ, मैं मास्टर तो नहीं हूँ, बट मैं हाँ उन चीज़ों को जो प्राकृतिक रंग हैं पेड़ पौधों फूलों में, पत्तियों में, और उनके छालों में, उनके जड़ में जो भी है, मैं उसको कम से कम फैब्रिक में उतार सकता हूँ, और उसमें मेरा अनवरत ये कोशिश जारी है। आज भी मैं उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया आर्ट मुझे लगा, इसमें कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं रहती है, मात्र उसको pH को डाउन और अप करने के लिए या तो सिरका या फिर नमक का मैं यूज़ करता हूँ, उसके अलावा इसमें कोई केमिकल नहीं है। और इस ये जो प्रिंटिंग के बाद जितने भी ये जो वनस्पति हैं, ये अगर जो बच जाते हैं उसको मैं कंपोस्ट में यूज़ करता हूँ, तो उसको मेरा खाद भी बन जाता है और ये मैं अपना यूज भी कर लेता हूँ। तो कौन से जो है आपने वनस्पति को करके क्या क्या कलर निकले हैं, थोड़ा एक बार हम लोग वो देख लेते हैं कि कौन कौन से सर कलर निकले हैं, थोड़ा बताते भी जाएंगे। जैसे कि अभी ये है, आजकल ये आपने ये देखा, गेंदे का फूल देखा होगा, गेंदा एक मैरीगोल्ड है, तो ये मैरीगोल्ड के पेटल से मैंने ये प्रिंट किया है एक तो। अच्छा, दूसरा हर आदमी प्याज तो खाता है, उसके बाद ये छिक्कल फेंक देता है, लेकिन हमने ये कोशिश करी कि प्याज के छिक्कल से भी हम प्रिंट करके ये बड़े अच्छे कपड़े बना सकते हैं। हाँ, ये अलग चले, इसमें बहुत सारे शेड और बहुत सारे डिज़ाइन भी हमने बना रखे हैं, ये तो बिक गए हैं।
उसके बाद ऐसे ये मैं एक दिखाना चाहूँगा, ये हरर माइरो वालन बोलते हैं, हरर हमारे यहाँ बोलते हैं, हरर सारे लोग वो मेडिसिन प्लांट की तरह यूज़ करते हैं, तो ये हरर का कलर है, ये इतना बढ़िया कलर आया। और इस हरर के कलर को, कलर से इसको पूरा डाई करने के बाद उसमें हमने अलग अलग प्लांट के जो पत्ते हैं उसको छापने की कोशिश करी, तो ये टीक का पत्ता है इसका कलर अलग आया है, ये आपका कोई मेडिसिनल प्लांट है उसका कलर अलग आया है, ये कुछ दूसरा है, ये सब का अलग अलग आए हैं। तो ये कुछ तो प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पत्ते आपको कलर दे सकते हैं और कुछ के पत्ते जो हैं कलर नहीं दे सकते हैं। वो कलर जो नहीं दे सकते हैं तो उसका भी हम यूज़ करते हैं, उस पामग्रेनेट का जो छिक्कल है, रिंग बोलते हैं या छिक्कल बोलते हैं, उससे हमने पहले तो इसको डाई किया, पूरे कपड़े को डाई किया। डाई करने के बाद हमने इनमें उन पत्तों को रखा जो पत्ते कलर तो नहीं देते हैं लेकिन वो अपना इम्प्रेशन देते हैं। जैसे फर्न का पत्ता हो गया, ये देखिए फर्न का पत्ता है, फर्न का पत्ता कोई कलर कभी नहीं देता है बट उसका इम्प्रेशन बहुत ही बढ़िया होता है। उसी तरह से ये और हैं, ये कुछ जो खेत के जो हैं, ये सर मैं देख रहा हूँ ये वाला जो बड़ा डार्क सा जो कलर आया है ये जो है कैसे आ गया होगा, और आपने ये भी दिखाया था मुझे, ये क्या है? ये जो डार्क कलर आया है ये हमारे यहाँ पान खाने की बड़ी लोगों को वो है, तो जो पान में एक कत्था लगता है हाँ, तो खैर बोलते हैं हम जैसे उसको, तो उसकी लकड़ी का कलर है, ये खैर की लकड़ी का कलर है, ये बहुत ही बढ़िया एक इसका जो कलर आया है। फिर इसमें हमने उन्हीं पत्तों का यूज़ किया है जिसका ये वाइट बैकग्राउंड आ गया है। जय, इसका एक बड़ा कहानी मेरे उसमें है, मैं एक दिन सहजदारा जा रहा था तो वहाँ रोड वाइडनिंग के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ गिराए जा रहे थे, तो वो गिराने के बाद ले जाते तो तब तक मैंने उनके जो बार्क हैं उसके छिक्कल हैं वहाँ से इकट्ठा करके लाया, गया छाल को भी इकट्ठा करके घर लाया। फिर मैं घर आके मैंने देखा इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो कैसा लगेगा, तो ये यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं उसकी छाल है, इसको मैंने इसमें कपड़ों में इसका एक प्रिंट बना दिया। और इसमें ये देखिए कि ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें ये यूकेलिप्टस का अपना कलर है जो उसने हमको दिया है। बिल्कुल ये ओरिजिनल कलर आप लोग देख पा रहे होंगे, और आपने देखा अनार का भी था। इसके अलावा तमाम ऐसे जो हैं पेड़ पौधे हैं जो अपना कुछ तो इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, कुछ के जो कलर्स हैं वो नेचुरल कलर्स अगर सब लोग वियर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों की बॉडी भी सुरक्षित रहेगी। जो स्किन प्रॉब्लम्स तमाम लोगों को होती है, एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी से भी दूर हो सकते हैं। सर आपने जो है इसका जो नाम रखा है रांच जो है क्यों नाम रखा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता देंगे? पहाड़ में जो रांच बोलते हैं लूम को, क्योंकि चाहे वो सिल्क का है, कॉटन का है, ऊल का है, किसी का भी है, तो वो रांची में बनेगा, तो मैंने उसका नाम रांच रखा हुआ है। जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से आखिरकार कपड़ों के लिए अलग तरीके से उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया है जिसको लेकर तमाम लोग जो हैं उनके स्टॉल को देखने आ रहे हैं कि कैसे आखिरकार उन्होंने इसकी प्रिंट की है, उनकी कारीगरी को देख रहे हैं, हमारे पेड़ पौधों का जो कलर है उसको देख रहे हैं, जिसके ज़रिए लोग ये समझ पा रहे हैं कि केमिकल वाली जो प्रिंटिंग, कपड़ों की जो प्रिंटिंग होती है वो हमें कितना नुकसान पहुंचाती है, और आपके जो वनस्पति से आए हुए जो प्रिंट हैं वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमें लगता है उत्तराखंड के ऐसे व्यक्तित्व के जो काम हैं उनको सराहना चाहिए, तभी इनके कामों को आगे और जो है बढ़ चढ़ कर आपका काम भी बढ़ेगा और हमारे जो स्किन प्रॉब्लम्स जो है लगातार जो बढ़ रही हैं उससे निजात भी मिल सकेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, जिससे आप इस तरीके की प्रिंटिंग के कपड़े अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप डायरेक्टली उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।